नमस्कार, झरोखा स्टोरीज में हम आपका स्वागत करते हैं और आज हम बाबा नागार्जुन की एक कविता लेकर के आपके सामने आए हुए हैं। हम इस कविता के पीछे जो कहानी है वो आपको बताने जा रहे हैं, स्टोरी बिहाइंड द पोएट्री। तो चलिए पहले हम बाबा नागार्जुन की इस कविता का एक बार श्रवण कर लेते हैं, उसका आस्वाद प्राप्त कर लेते हैं, फिर उसके पीछे की कहानी के बारे में जानते हैं। कहा, इस कविता का शीर्षक है बाकी बच गया अंडा और कवि है नागार्जुन। इसे 1950 में लिखा गया था। 1950 का साल याद रखना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि 1950 की पहले की घटनाओं से ही हम इस कविता के तात्पर्यों तक पहुंच पाएंगे। तो लीजिए कविता सुनिए। पांच पूत भारत माता के दुश्मन था खूंखार, गोली खाकर एक मर गया, बाकी रह गए चार। गोली खाकर कौन मर गया इस पर सोचिए। चार पूत भारत माता के चारों चतुर प्रवीण, देश निकाला मिला एक को, बाकी रह गए तीन। देश निकाला किसको मिला? तीन पूत भारत माता के लड़ने लग गए वो, अलग हो गया उधर एक, बाकी बच गए दो। अब जो तीन थे उनमें से एक अलग हो गया, कौन अलग हो गया? दो बेटे भारत माता के छोड़ पुरानी टेक, चिपक गया है एक गद्दी से, बाकी बच गया एक। अब दो बचे थे उनमें से एक गद्दी से चिपक गया। एक पूत भारत माता का कंधे पर है झंडा, पुलिस पकड़कर जेल ले गई, बाकी बच गया अड्डा। ये कविता है, कुल पांच छंद हैं इसमें, दो दो पंक्तियों वाले। तो अब हम ये देखते हैं कि ये पांच पूत कौन थे और कौन है, किसकी ओर बाबा नागार्जुन का इशारा है। बाबा नागार्जुन ने अपनी तरफ से कहीं भी आधिकारिक तौर पर ये पांच पूत कौन है इसके बारे में कहीं कुछ कहा नहीं है, लेकिन समीक्षकों ने, पाठकों ने, विद्वानों ने इस पर अपने अपने अनुमान लगाए हैं और खोजबीन की है कि वो पांच पूत कौन है। हम भी करेंगे। तो देखिए इसमें पहला छंद देखते हैं। पांच पूत भारत माता के दुश्मन था खूंखार। भारत माता के पांच पूतों का किस्सा बता रहे हैं कवि और कह रहे हैं कि उन पांचों का जो दुश्मन था वो सबसे खूंखार था, बर्बर था, भयानक था। ये अंग्रेजों के प्रति संकेत है। उनमें से एक गोली खाकर मर गया, बाकी के चार बच गए। गोली खाकर कौन मर गया? तो हम देखते हैं कि यहां पर जो बाबा का संकेत है वो है चंद्रशेखर आजाद के प्रति, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी थी। उन्हें 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेज पुलिस ने गोलियों से भून दिया था और वे शहीद हो गए थे। खुद चंद्रशेखर आजाद के एक सहयोगी बलभद्र तिवारी ने अंग्रेज पुलिस को उनके वहां होने की सूचना दी थी। ये भी एक दुखद प्रसंग इससे जुड़ा हुआ है। तो पहले पूत चंद्रशेखर आजाद हैं, ये लगभग सभी का अनुमान है और हम भी इससे सहमति रखते हैं। दूसरा देखिए, चार पूत भारत माता के चारों चतुर प्रवीण, देश निकाला मिला एक को, बाकी रह गए तीन। अब जो चार बचे थे उनमें से एक को देश निकाला मिल गया, लेकिन देखिए देश निकाला तो भारत ने किसी के को दिया ही नहीं। ये संकेत नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत की स्वाधीनता के लिए कांग्रेस का जो उसमें चल रहा था आंदोलन, उसके साथ अपनी असहमति रखी हुई थी। उन्होंने कहा ये सत्याग्रह से, इस तरह के असहयोग आंदोलनों से शायद देश को आजादी नहीं मिलेगी, हमें जो है उतनी ही ताकत से संघर्ष करना होगा जैसे लाठियों से, गोलियों से, फौजों से, पुलिस से अंग्रेज सरकार करती है। इसलिए वे कांग्रेस से विदा लेकर के देश के बाहर गोपनीय रूप से
जाकर के कई मुल्कों के साथ मिलकर के और उन्होंने कोशिश की कि भारत को आजाद कराया जाए। लेकिन 18 अगस्त 1945 को एक विमान दुर्घटना में उनकी भी मृत्यु हो गई। तो मैं यहाँ एक असहमति व्यक्त करता हूं कि उन्हें देश निकाला नहीं मिला था, उन्होंने आत्मनिर्वासन स्वयं तय किया था देश की आजादी के लिए। और अब तीसरा है, तीन पूत भारत माता के लड़ने लग गए, वो अलग हो गया उधर एक, बाकी बच गए दो। अब जो तीन बचे थे वो आपस में लड़ने लग गए। ये जो तीसरा पूत है किसके लिए संकेत है, तो लगभग सभी का अनुमान है कि ये मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में कहा जा रहा है, और ये अनुमान सही भी लगता है। मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस के ही एक बहुत मजबूत नेता के तौर पर उन्होंने अपना राजनीतिक करियर शुरू किया था। वो भी उतने जज्बे के साथ देश के लिए लड़ रहे थे, इसलिए बाबा ने उन्हें भी भारत माता का पूत ही कहा है। लेकिन बाद में वो इन सबसे अलग होकर के 3-4 साल तक इंग्लैंड जाकर बस गए थे और वहां ठाटदार अपनी वकालत कर रहे थे। परंतु यहाँ भारत में मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र होना चाहिए, ऐसा विचार कुछ मुस्लिम नेताओं के मन में आया। तो मोहम्मद अल्लामा इकबाल, ये वही इकबाल हैं जिनकी नज्म आज भी हम गाते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। तो वो इकबाल मियां और लियाकत अली, ये दो लोग मिलकर के इंग्लैंड गए और वहां जाकर के उन्होंने जिन्ना को इस बात के लिए सहमत किया कि वो भारत लौटें और मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क का निर्माण करने के लिए संघर्ष करें। जिन्ना वापस लौट करके आए, उन्होंने भारत से अलग होकर के एक देश की मांग की। अंग्रेजों के साथ उनकी मिली भगत थी, अंग्रेज भी चाहते थे कि इस देश के दो टुकड़े कर दिए जाएं, लिहाजा वो सफल रहे और इस तरह वो भारत से अलग हो गए, अखंडता से अलग हो गए, स्वाधीनता से अलग हो गए और इस देश को छोड़कर चले गए। अब हम आते हैं, दो बेटे भारत माता के छोड़ पुरानी टेक, चिपक गया है एक गद्दी से बाकी बच गया एक। अब कहा जा रहा है दो पूत भारत माता के बचे, उनमें से एक गद्दी से चिपक गया। गद्दी से चिपक गया जो यह है एक मुहावरा है, और इसका तात्पर्य होता है कि जिसे कोई ना चाहता हो गद्दी पर रखना देखना और वो जबरदस्ती गद्दी पर काबिज हो जाए तो हम उसको कहेंगे वो गद्दी से चिपक गया। और ये संकेत है उस समय के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के लिए। पर यहां थोड़ा सा एक विचारणीय प्रश्न ये है कि 1947 में देश आजाद हुआ है, भारत ने लोकतंत्र को अपनाया है और अपने देश में उसे एक सरकार बनानी है, उस सरकार का एक प्रधान होगा और वो प्रधान के तौर पे जवाहरलाल नेहरू का जो है चुनाव होता है, उनका चयन होता है, उनके बारे में सहमति बनती है और एक संविधान सभा के तहत देश काम करता है कि हमें अपना संविधान बनाना है। और फिर 1952 में पहला आम चुनाव होगा और उसमें इलेक्शन में सारे राजनीतिक दल चुनाव लड़ेंगे, जो बहुमत में आएगा वो प्रधानमंत्री बनेगा। इसलिए स्वाधीनता के 3 साल के बाद जवाहरलाल जी हों या सरदार वल्लभ भाई पटेल हों या मौलाना आजाद हों, जो भी प्रधानमंत्री बनता उसका बनना तो एक लोकतांत्रिक देश की स्वाधीनता के बाद का एक अनिवार्य हिस्सा है। तो हम उसे गद्दी से चिपक गया जैसे मुहावरे से संबोधित कर सकते हैं या नहीं, ये विचारणीय प्रश्न है। और अब आते हैं, एक पूत भारत माता का कंधे पर है झंडा, पुलिस पकड़कर जेल ले गई, बाकी बच गया अंडा। अब जो बचे थे उनमें से जो है वो एक ही भारत माता का पूत बचा और वो देश में अपने आंदोलन करने के लिए झंडा लेकर तैयार हो गया। पुलिस उसे गिरफ्तार करके जेल ले गई। अब बच गया अंडा, जीरो बचा, अर्थात पांचों पूतों का ये हश्र हुआ। ये पांचवा पूत कौन है? ज्यादातर लोगों का अनुमान है कि ये जो है लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की ओर संकेत है, पर मैं ऐसा नहीं मानता, मेरी असहमति है। क्योंकि अगर हम लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के पूरे जीवन को देखते हैं तो पाते हैं
कि वे कांग्रेस के एक महत्वपूर्ण लीडर थे और कांग्रेस के अंदर ही उन्होंने समाजवादी विचारधारा वाले लोगों का एक समूह बनाया था और कांग्रेस समाजवादी पार्टी के नाम से ये समूह कांग्रेस के अंदर ही काम कर रहा था। स्वाधीनता के बाद जयप्रकाश नारायण जी ने अपने को राजनीति से अलग कर लिया और वो विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन में चले गए और उसी में काम करते रहे जीवन भर। लेकिन इसी समाजवादी कांग्रेस पार्टी के अंदर जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नाम के एक और नेता हैं, वो बड़े प्रखर चिंतक और विद्वान व्यक्ति थे। समाजवाद के बारे में उनकी अपनी मौलिक अवधारणाएं थी और उन्होंने उनको लेकर के नेहरू जी की नीतियों के खिलाफ लगातार संघर्ष जारी रखा। उसके लिए वो जेल भी गए और उन्होंने अपने आंदोलनों को लगातार प्रखर बनाया। तो मैं समझता हूं कि ये जो पांचवें पूत की बात है, ये है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के बारे में। अब यहां एक और बात मैं सामने रखना चाहता हूं कि देखिए 1948 में महात्मा गांधी की भी हत्या होती है, पर इन पांच पूतों में महात्मा गांधी की हत्या के होने पर उन्हें बाबा नागार्जुन ने इन पांच पूतों में या छह पूतों में कहीं नहीं गिना है। ऐसा क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि महात्मा गांधी को एक तो महात्मा जैसा एक संबोधन देश देने लगा था, फिर उन्हें राष्ट्रपिता भी माना जाने लगा था, तो राष्ट्रपिता की गिनती पूतों में भला कैसी होती। इसलिए इसमें महात्मा गांधी का कोई जिक्र नहीं है। तो ये थी हमारी आज की झरोखा स्टोरी। अगली बार हम फिर से एक और स्टोरी के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए राजेंद्र चंद्रकांत राय को विदा दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।